याद नहीं दिया, रिकॉर्डिंग चालू करनी है विधि। अरे यार कितना टाइम निकल गया, काफी टाइम निकल गया ना, कितना टाइम? हाँ 20 मिनट। अरे आधा लेक्चर निकल गया। कौन जो तुम लोग प्लीज रिमाइंड करो मेरे को, मैं क्या करता हूँ पहले रिकॉर्डिंग चालू कर। अब मैं ना जब एक्चुअली स्टार्ट करता हूँ तब मैं रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ एक्चुअली, लेकिन अभी भूल जाता हूँ इसके लिए। ये 0.2/2 इज 0.01 राइट है कि रॉन्ग है? भाई कोई बोल ही नहीं रहा। ओके ऐसे बात लिखो, एरर इन डिवीजन, आई एम कॉपीइंग। ओके एवरीवन इज फ्री टू स्पीक आउट, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। वेरी बैड यार। Yes, sir. Finish. Finished? Everyone is finished? Yes, Everyone sir. Is finished? Okay, title likho, Error in Division. Error in Division. Suppose Z is there, point B. Remember, delta Z by Z means what, you know? Delta A by A plus delta, chahe division ho, chahe multiplication ho. Always error start to be added. इसके नीचे होने का मतलब यह नहीं कि सब्ट्रैक्ट करना है। ऑलराइट, अब ये ना ए बी क्या है उससे मालूम है आपको, इसलिए मैं बार बार डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, सीधे प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएगा। खाली इतना कॉपी करते हैं, एरर इन डिवीजन दिस प्रॉब्लम टू बी कॉपी। प्रॉब्लम करें हम लोग इसके ऊपर बच्चों, वो स्टूडेंट्स? हाँ सर, हाँ सर। ओके, इसके बाद मैं चाहता हूं कि जीतू स्पीड एंड इट्स मैक्सिमम रिलेटिव एरर। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 5.2 प्लस माइनस 0.1। दोनों ओके ओके ओके, बहुत इजी। अब मुझे बताओ ये पूछे के पूछ रहे हैं क्या, फाइव व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स मैक्सिमम रिलेटिव एरर, व्हाट इज द स्पीड, फाइंड नंबर वन स्पीड। फाइंड नंबर वन स्पीड एंड नंबर टू मैक्सिमम रिलेटिव एरर। मैक्सिमम रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर। स्पीड का तो डिशन बहुत इजी है, व्हाट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 5.2। समय कितना है? 100।
So this will be 5.2 into 10 raised to minus 2 meter per second. But error ki baat chali. Anybody can tell me what's the right delta V by V? Yes, now I'm leaving it on to you. Maine bata diya aapko kya karna hai. Delta V by V kya likhu? यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम है. व्हाट शुड आई राइट हियर? ए बी मैंने यूज नहीं किया है, डी और टी यूज किया है. तो बताओ क्या करूँ. सर डेल्टा डी अपॉन डी और सर प्लस डेल्टा टी अपॉन टी. अब मुझे बताओ डेल्टा डी के बदले क्या लिखूं? डेल्टा डी के बदले 0.1. लवली. और डेल्टा टी के बदले क्या लिखो? सो डेल्टा टी के बदले 1. बस खत्म हो गया प्रॉब्लम. इसको सिंपलीफाई करोगे तो आंसर आवत है 0.029. और मीटर पर सेकंड गलत लिखा है बुक में. इट शुड बी विदाउट एनी यूनिट 0.029 मैक्सिमम रिलेटिव एरर. मैक्सिमम रिलेटिव एरर इज इक्वल टू और परसेंटेज कितना होगा? परसेंटेज कर रहे हैं तो बोलो 0.029 × 100. दैट इज राइट. दैट इज राइट. कौन है? सर 29. सर 2.9%. Yes, perfect answer. 2.9. लिखो इसके बाद लिखो error due to power in measured quantity. Title लिखो error due to power in measured quantity. Error due to power in measured quantity. Down इसको. नहीं सर, 2 मिनट. जाग जाओ, जाग जाओ. तुम आंसर तो अच्छा दे रही हो लेकिन वॉइस तुम्हारी ऐसे लग रहा है जैसे नींद में हो. But you are giving good answers. I appreciate your answers. Kaunin Qureshi. The next question क्या होगा? चलो इसके बाद लिखो टाइटल लिखो एरर ड्यू टू पावर पावर्स इन मेजर्ड क्वांटिटी. पावर्स इन मेजर्ड क्वांटिटी. सपोज एक क्यूब है. सुनो डायग्राम से इट विल बिकम क्लियर. एल 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 तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब? बोलो वॉल्यूम क्या होगा? एल क्यूब. L cube. Suppose there is a error of delta L in each. यहाँ पे error delta L है. तो can I write volume as L into L into L? बोलो तीन बार लिखो तो भी चले. हाँ सर. तो देखिए volume भी delta V by V. अभी अभी हमने A into B देखा था तो क्या लिखू? A into B into C. तो यहाँ क्या लिखते हम लोग तीन बार? Delta A by A plus delta B by B plus delta C by C. यहाँ पे L into L into L. तो क्या लिखूं? बोलो बोलो मेरे बच्चों. डेल्टा एल अपॉन एल या प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा एल अपॉन एल. दैट मींस कैन आई से 3 times डेल्टा एल अपॉन एल? कैन आई से डेल्टा एल अपॉन एल? यस सर. सिमिलरली कैन आई से इन जनरल? इन जनरल if z equal to a raised to n. So anybody can tell me what will be delta z by z? Kya hoga batao? Dekho jab l cube tha
तो थ्री टाइम्स डेल्टा एल बाय ए एन एच टू एन होगा तो क्या होगा ए इंटू एन वेरी बैड अरे पावर देखो थ्री था तो थ्री नीचे आया ना ए रेस टू थ्री तो सो एन एन डेल्टा ए अपॉन ए दैट्स राइट जीतू एन टाइम्स डेल्टा ए बाय ए इन जनरल नंबर वन इन जनरल का नंबर टू यहां लिख रहा हूं ये कौन बताएगा मुझे क्लास में कौन है माई का लाल इफ जेड इक्वल टू ए रेस टू पी बी रेस टू क्यू अपॉन सी रेस टू आर व्हाट विल बी डेल्टा जेड बाय जेड हमेशा एरर एड होती है सब्ट्रैक्ट नहीं होती अब इसका आंसर जो बताएगा ही हैज अंडरस्टूड द एंटायर कॉन्सेप्ट इन जनरल दिस इज नंबर वन इन जनरल नंबर टू कौन बतावेगा क्लास के अंदर कौन बतावेगा अरे देखो पावर नीचे उतरता है और हमेशा ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं सिंपल हाँ रोशनी बोलो रोशनी इंटू डेल्टा बी अपॉन बी क्यू इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस प्लस ए इंटू डेल्टा सी बाय सी ए और बी का तो हो गया ना ए और बी का हो गया अभी सी बचा है तो सर आर है अच्छा आर आर इनटू डेल्टा दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट ये है अभी भी तो वो सी का माइनस नहीं आएगा नहीं ना हमने अभी अभी देखा ना जेड इज ए बाय बी तो क्या था उसका डेल्टा जेड बाय जेड क्या था डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी माइनस थोड़ी क्या था एरर में कभी माइनस नहीं होता है इज दिस क्लियर माइनस नहीं होगा ए अपॉन बी पे माइनस लिखा था क्या यहाँ पे चेक करो डिवीजन में नो सर नो सर नहीं सर हाँ ऑलराइट इसके बाद क्वेश्चन 76 करना चाहूंगा मैं आपके सामने ये मिटाऊ नहीं सर अरे क्या कर रही हो नहीं सर सर दो मिनट लिख रही हूँ लिख रही हूँ कम से कम वो अच्छा है चलो बिठाओ बिठा दूं यस सर पूरा याद है पूरा सब लिख दिया ना हाँ नंबर वन नंबर टू और स्क्रीनशॉट भी कितना लिखना आई डोंट लाइक दैट स्क्रीनशॉट का हैबिट कि बाद में लिखूंगी स्क्रीनशॉट ठीक लेती हूँ बाद में लिखूंगी और बाद में कभी आता नहीं है ओके क्वेश्चन 76 विल बी रेड बाय अफीफ कुरैशी नहीं अफीफ सॉरी अफीफ सैयद अफीफ If the formula for a physical quantity is x equals to a raised to 4, b raised to 3 upon c raised to 1 upon 3 and d 1 upon 2, and if the percentage error is the measurement of a, b, c and d are 2%, 3%, 3% and 4% respectively, calculate percentage error in x. That's very good. Percentage error in yucks.
चलो ये अभी लिख डालो, झपा झप लिखो, झपा झप। झपा झप लिखो, देखो एक्स का फॉर्मूला दिया है, परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी दिया हुआ है, और बोलते हैं व्हाट इफ फाइनली परसेंटेज एरर इन एक्स बिकॉज ऑफ सो मेनी एरर्स, एक्स का फाइनल एरर कितना होवेगा, तो क्या लिखो पहला आंसर, एनीवन? यहाँ पे चार बार तीन बार प्लस आएगा, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या परसेंटेज एरर था, इसलिए मैं इधर इंटू हंड्रेड कर देता हूं। Yes, who can tell me? Who can tell me what should I write and how should I write? So 4 power delta a upon a plus. Yes, that's right. बहुत अच्छे बच्चे. 2 power delta b upon b. Yes. 1 upon 3 power c delta c and. बहुत अच्छा भार्गवेश, lovely answer. What is delta A by A into 100? 2%. Delta B by B, 3%. Delta C by C, 3%. And delta D by D, 4%. The last. ये मैंने अंदर ले लिया 100 ना, क्योंकि delta A by A into 100 था ये, इसलिए वापस 100 मल्टीप्लाई नहीं करना. तो 4 दुनी 8. 8% plus 3 त्रिका 9, 9% plus 3 by 3, 1% plus 2%. So, ये आता है 9 और 8, 17, 17 और 18 और 20%. Oh-ho! 20% error हो जाता है in calculation of x. क्योंकि error denominator में होने दो, लेकिन error are to be added only. Error are to be added only. समझ में आली बात? तीन दो मिनट बाकी है, दो मिनट मेरी, 1 मिनट 39 seconds are remaining. एक मिनट, सबको समझ में आ रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं? प्लीज टेल मी, ऑनेस्टली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं स्लो जाने में. कौनन कुरेशी? हाँ सर. समझी ना? हाँ समझी. अरे रुचि, रोशनी रोशनी रोशनी, यस सर, अंडरस्टूड? यस सर. त्रिशा, यू अंडरस्टूड दिस? यस सर. ओ लवली, दैट्स ग्रेट. चलो ओके, अब हम लोग करते हैं नंबर 77. नंबर 77, I think next time we'll be able to start the new chapter. We'll be able to start the naya chapter. 77 पढ़ो जी टू. हमारे पास समय की बहुत कमी है, और लेकिन ये संडे को टेस्ट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड प्रिपेयर करके आना एकदम जबरदस्त. And see to it that you are getting full marks. बहुत आसान है. Young's modulus, bulk modulus, modulus rigidity, Poisson's ratio, stress, strain, वो सब है ना, बहुत easy है. Friction, then what are the laws of friction? Laws of kinetic friction आने वाला है. बस इतना बोल देता हूँ, prepare करना अच्छी तरह से.